दोस्तों 2023 में आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल हर जगह होता है। कोई भी बिजली से चलने वाला उपकरण इसके बिना काम नहीं करेगा। दोस्तों आज हम फायर प्रूफ इलेक्ट्रिक केबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती है, यानी कि यह एक सालों भर चलने वाला जबरदस्त बिजनेस है। अगर हम भारतीय बाजार को देखें तो यहाँ पर 36% मार्केट शेयर टॉप ब्रांड का है, जैसे कि हेवल्स हो गया। वहीं 34% मार्केट मीडियम साइज के ब्रांड का है। उसके बाद करीब करीब 30% मार्केट नॉन ब्रांड का है, यानी कि यह मार्केट बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है ब्रांडेड कंपनी में, मीडियम रेंज की कंपनी में और नॉन ब्रांड कंपनी में। तो हमारा जो मार्केट है वह नॉन ब्रांड वाला मार्केट है, जो कि करीब 30% का है और अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। यानी कि अगर हम अपने शहर में इलेक्ट्रिक केबल वायर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट स्टार्ट करते हैं तो ना सिर्फ हम अपने शहर में बल्कि आसपास के शहरों का मार्केट भी हम पकड़ सकते हैं और यह एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हमारे लिए हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि इनमें किन किन प्रकार की रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। इंसुलेटेड कॉपर वायर के लिए आपको ईसी कॉपर वायर की जरूरत पड़ती है जिसकी शुद्धता 99.99% होती है। इसके अलावा आपको वर्जिन पीवीसी चाहिए, पीवीसी स्टेबलाइजर चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, स्टेडियम एसिड चाहिए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड चाहिए, क्ले चाहिए, क्लोरीनेटेड पैराफिन वैक्स चाहिए जिसको कि सीपीडब्ल्यू कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि इनमें आपको किन किन प्रकार की मशीनों की जरूरत पड़ती है और उनका यूजेस क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक ग्राइंडर मशीन की जरूरत होती है जिसमें कि आप यह सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स करते हैं करीब 15 से 20 मिनट के लिए। इसके बाद आपको रॉ ब्रेकडाउन मशीन की जरूरत पड़ती है। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. इसमें आप इसी कॉपर वायर को डालते हैं और यह मशीन उस इसी कॉपर वायर को आपके दिए गए नाप के अनुसार पतला करता है। यानी कि आप यहाँ पर वायर का साइज सेट कर सकते हैं कि आपको कितना मोटा वायर बनाना है और यह मशीन वायर को छील कर उसी साइज में ला देता है। उसके बाद आपको फाइन वायर ड्राइंग मशीन की जरूरत पड़ती है जो वायर को और भी ज्यादा महीन और पतला करता है। इसके बाद कॉपर वायर को मजबूती प्रदान करने के लिए, उसमें स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए इसको एनेलिंग मशीन के थ्रू गुजारा जाता है जिससे कॉपर की यह पतली वायर मजबूत हो जाती है। इसके बाद इन वायर को पीवीसी वायर कोटिंग मशीन में डाला जाता है। पीवीसी कोटिंग मशीन उन वायर्स के ऊपर पीवीसी की रिक्वायर्ड कोटिंग करती है। इसके बाद इन वायर को एक्सट्रूडर मशीन के थ्रू बाहर निकाला जाता है और इनको पानी के टैंक से गुजारा जाता है जिससे कि यह ठंडा हो जाए। इसके बाद इनको केबल वाइंडिंग मशीन से वाइंड किया जाता है, यानी कि लपेटा जाता है। उसके बाद इनको केबल इंजेक्ट प्रिंटिंग मशीन से गुजारा जाता है जिससे कि इन केबल के ऊपर आपकी कंपनी का लोगो आता है, उसका नाम आता है, इस वायर की थिकनेस आती है और बाकी के डिटेल्स इन पे प्रिंट किए जाते हैं। इनके बाद इन वायर्स की टेस्टिंग होती है जिनके लिए आपको टेस्टिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। इनकी टेस्टिंग मुख्यतः होती है हाई वोल्टेज टेस्टिंग, फायर प्रूफ टेस्टिंग और श्रिंकेज टेस्टिंग। इसके बाद इन वायर्स को 100-100 मीटर्स में काट लिया जाता है और उसे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। बस आपका यह वायर अब मार्केट में जाने के लिए तैयार हो गया। केबल वायर के बिजनेस में आपकी प्रॉफिट मार्जिन अच्छी खासी होती है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आपका नेट प्रॉफिट करीब 30% तक होता है। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मशीन के ऊपर आपका कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा होगा। वहीं अदर इक्विपमेंट्स में आपके करीब 5 लाख रुपए खर्च होंगे। इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल चाहिए, जिसमें कि आपकी रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट आ गया, आपकी एम्प्लॉइज की सैलरी आ गई। तो मोटा मोटा इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास कम से कम 35 से 40 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए। दोस्तों यह बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसलिए आपको इसके सेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। आपको एक अच्छी सेल्स टीम बनानी होगी जो आपके प्रोडक्ट का अच्छे से मार्केटिंग करें, अच्छे से सेल्स करें। दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको BIS का हॉलमार्क चाहिए, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का आपको हॉलमार्क होना चाहिए। उद्योग आधार सर्टिफिकेट आपको चाहिए।
एमएसएमई सर्टिफिकेट आपको चाहिए और जीएसटी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि यह बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछें। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके सवालों का जवाब दे। दोस्तों नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।